नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चेयरमैन आपके जो रेलवे के चेयरमैन सीईओ हैं, उन्होंने एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर क्या कहा है। चलिए वीडियो को सुनते हैं, देखिए क्या कहा उन्होंने। सर नमस्कार। सर, रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है पहले प्रभावित है, तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है, जो जो एलएलपी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी, जिसमें ट्रेनिंग होनी है, तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस, क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान है। सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपने पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें कुछ एरियाज में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टाइजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। 143,000 वैकेंसी हमने भर्ती थी, जिसमें 64,000 वैकेंसी एलपी और टेक्नीशियंस की थी। लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें एलपी, करीब 5,000 एलपी अभी भी हैं, जिनको कि या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कई स्टेट्स में भी इस तरह के सेक्शंस हैं हमारे पास की ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहां जहां पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और एलपी की ट्रेनिंग कराई है, इसलिए ये नंबर अब घटके इतना रह गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले एक महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट लेवल पे ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग, तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है। इवन मोस्ट लाइकली बी जॉइनिंग ट्रेनिंग विद अ मंथ और मंथ एंड हाफ, डिपेंडिंग ऑन जिस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम लोगों के ऊपर खास तौर से हम लोगों ने कह रखा है कि ट्रेनिंग को अभी आप ना शुरू करें, लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। मुझे लगता है कि कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि एक से डेढ़ महीना, एक महीने में सारे के सारे लोग जो बचे हुए लोग भी हैं वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है जहाँ पे इस तरह का रोक नहीं है वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की, एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसी थी करीब, ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसी जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब करीब जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें करीब करीब मैं कहता हूँ 1 करोड़ के करीब लोगों ने एग्जाम अपीयर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये भाई और जो हमारा ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दी कोविड, जैसे कि आपको मालूम है एग्जाम आप नॉर्मल लेते हैं जगह जगह पे एक ही टाइम पे एक ही दिन में, वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सुना अभी सीबीएसई का एग्जाम है, बाकी जगह एग्जाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्जाम इनका। तो ये बेसिक एग्जाम इसलिए नहीं रुका कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था, अगर होता तो हमने बाकी एग्जाम भी नहीं किया होगा। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा का हम एग्जाम ले चुके हैं, इस बात का देता है कि एग्जाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपीयरिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला खत्म होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है, ये जो आप जो करवा रहे हैं ये इसका नोडल आरआरबी चेन्नई है जो इसको दिया गया ये काम, तो वो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि कहां कहां पे जहां हमारे सेंटर्स हैं वहां पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं आरआरबी में कि अभी हम किसी भी पोजीशन में नहीं है आने के लिए, तो इन सबको नजर रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पर एग्जाम कराएं, क्योंकि आप भी समझेंगे कि कोई एग्जाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए तो दैट इज ऑल्सो नॉट बी नाइस, बट आई कैन नॉट अश्योर यू कि एग्जाम होगा।